गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या हुई 89। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस व मास्क का करें प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, समय समय पर अपने हाथों को करें हैंड वॉश। फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। IGRS पर आई शिकायतों की जा रही है जांच, SSP ने दी जानकारी। दो फरवरी को CM योगी व गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला लेडी डॉन निकला भीम आर्मी का कार्यकर्ता सोनू। आगरा जेल में बंद सोनू को कैंट पुलिस लेकर आई गोरखपुर, न्यायालय में रिमांड बनवा कर भेजा जेल। कलेक्ट्रेट कार्यालय को पर्यटन ऑफिस में शिफ्ट होने पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायालयों का किया निरीक्षण। कहा, अधिवक्ताओं व वादकारियों को सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट से न्यायालय का कार्य होगा संचालित, जगहों को किया गया है चिन्हित। दो वर्ष पूरे होने पर DIG जे रविंद्र गौड़ ने रेंज के साइबर थाने का किया निरीक्षण। कहा, दो सालों में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों का 1 करोड़ रुपए की राशि का करवाई जा चुकी है रिकवरी। साइबर अपराध से जुड़े मामलों का हो रहा है समाधान। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों का विशेष रूप से रखे ध्यान, शासन की सभी सुविधाओं को करवाएं उपलब्ध। अपहरण के आरोप में कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त शनि गुप्ता को किया गिरफ्तार, अपहृता को किया साकुशल बरामद भेजा जेल। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, अच्छे तरीके से हो फ्रिस्किंग ताकि चाक चौबंद रहे न्यायालय की सुरक्षा। दो दर्जन से ज्यादा कोल्ड चेन हैंडलर को कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, पिछले कोविड के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में कोल्ड चेन हैंडलर ने निभाई है अहम भूमिका। और 26 जून तक जनपद में आएगा मानसून, होगी वर्षा, बाढ़ से निपटने की सभी तैयारी है पूरी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद में बढ़ रहे कोविड के मरीजों पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से जनपद में प्रतिदिन कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 89 हो गई है, जिसमें कुछ लोगों का समय से इलाज चल रहा है तो ठीक भी हो जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इसके साथ ही अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, लोगों को भी कोविड से बचाव के लिए जागरूक करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि जनपद में अराउंड 12 केस, 18 केस, 19 केस आ रहे हैं। हालांकि मेजॉरिटी केसेज असिम्प्टोमेटिक हैं और सही ढंग से अगर उपचार हो रहा है, सही समय पर ट्रेस हो रहा है तो समय ठीक भी हो जा रहा है। लेकिन इसमें लोगों से यही अनुरोध है कि अनावश्यक भीड़ वाली जगह में ना जाएं। नंबर वन, अनावश्यक भीड़ वाली जगह में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, रेगुलर सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशेस करें और लोगों को भी जो अपने साथ वाले हैं उनको जागरूक करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क का उपयोग जरूर करें। जनपद में फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले फरियादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनसुनवाई में समीक्षा के समय यह सामने आया है कि बहुत से ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो बार बार फर्जी IGRS डालते हैं, जिसमें पुलिस विभाग को परेशानी होती है, जिसको देखते हुए सभी IGRS की समीक्षा करने के निर्देश दिया गया है। जो कि शिकायतकर्ता बार बार IGRS डाल रहे हैं उनको बुलाकर बात करके उनके समस्या निस्तारण करवाया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी को परेशान करने के लिए झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने कहा कि इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका था, जिस पर मेरे द्वारा पुलिस लाइन में जनसुनवाई का कार्यक्रम किया गया था, जहां पर सभी एसपी ने बैठक करके जनता की समस्याओं का समाधान किया गया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उसी तरह आगे भी समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा IGRS एक अच्छी सुविधा है जो कि शासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। इस सुविधा का दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विभाग को परेशानी होती है, काम में बाधा आती है। इसलिए जरूरत हो तभी IGRS पर शिकायत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ लोकल थाने में जाएंगे, वहाँ देख लेंगे, वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, ठीक रहते हैं। ये जो पता दिया कल्याण विहार का किसका है, प्लॉट नंबर 48 नहीं है, मकान नहीं है सर, वहाँ कुछ नहीं है, बच्चे वहाँ गए थे, परीक्षा देने गए थे श्रीमान, बस किराए पे लेके रह रहे थे, डेढ़ महीना रहे, बस ये पता किसने बता दिया दरोगा जी को, आप बताए होंगे जी। इसमें जन सुनवाई में समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई शिकायतकर्ता हैं जो बेवजह बार बार IGRS डालते हैं, और उसमें विभाग के संसाधन और अन्य लोग जो जन सामान्य के हैं उनको भी परेशानी होती है। इसको देखते हुए हमने सभी IGRS की शिकायतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता बार बार IGRS डाल रहे हैं उनको बुलाकर उनकी समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा, और यदि कोई झूठी शिकायत भी करता है लोगों को परेशान करने के लिए, गांव के लोगों पर पेशबंदी करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तो उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण पूर्व में भी सामने आया था, जिस पर हमने एक जनसुनवाई का बड़ा वृहद कार्यक्रम किया था, जहां हमारे सभी SPs ने बैठ के शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की, स्वयं मैंने भी की थी, और उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, और उसी प्रकार अब फिर से समीक्षा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे जो डालते जी? देखिए IGRS जो है एक सुविधा है जो शासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है लोगों को, ये सुविधा का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जन सामान्य को परेशानी होती है और जो साधन है विभाग के उन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो जो ज़रूरतमंद है वो IGRS का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग ना करें, ये मेरी सबसे अपील है। कैन पुलिस ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने वाले लेडी डॉन जो भीम आर्मी का कार्यकर्ता सोनू है को आगरा जेल से वारंट बी के तहत गोरखपुर लाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड बनवाकर जेल भेज दिया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि फिरोजाबाद के युवक सोनू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गोरखनाथ मंदिर को 2 फरवरी को बम से उड़ाने की ट्वीट के माध्यम से धमकी दी थी। उसने लेडी डॉन के नाम से एक प्रोफाइल बनाया था। जांच में पता चला कि यह ट्वीट फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने के अहमदपुर निवासी सोनू सिंह पुत्र रामनाथ ने किया था, जो कि भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता है, जिसको पुलिस के ऊपर हमला करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। कैंट पुलिस ने वारंट बी के तहत उसे गोरखपुर लाई और कोर्ट में पेश कर रिमांड बनवाकर जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जिसको आगरा जेल में जो निरुद्ध थे उनको आज गोरखपुर पुलिस द्वारा रिमांड पर यहाँ बुलाया गया है एवं न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इन्होंने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ाने की धमकी दी थी और इसी संदर्भ में गोरखपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है।
एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्थित सभी न्यायालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट का पुराना भवन टूट रहा है और कलेक्ट्रेट को पर्यटन भवन में शिफ्ट किया गया है, जिसका नया भवन बनना है, जिसको देखते हुए न्यायिक कार्यों को लेकर अधिवक्ताओं व वादकारियों को समस्या हो रही थी। जिन जिन कोर्ट को वहाँ शिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं की मांग थी कि कोर्ट यहीं से संचालित किया जाए, जिसको देखते हुए कलेक्ट्रेट के सभी कोर्ट का निरीक्षण किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट को पुराने भवन में ही संचालित किया जाए, जिनको टूटना नहीं है, जिसका निर्णय शुक्रवार तक ले लिया जाएगा, जिसके लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, तो अभी टाइम लगेगा, कोर्ट को बड़ा बड़ा हाल मेरे पास है, तो 9 करोड़ रुपये से बन रहा है, हम उसको दो बड़ा बड़ा हाल 45 लग रहा है, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल सर दे देंगे, किसी आप जाएंगे वो भी न्यायिक वाला पंच स्थानीय वाला अपने को मंजूर हाँ हम लोग सहयोग के लिए जो है ये किसी भी बिंदु पर जान लीजिए बता रहा हूँ। सब तमाम अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोग न्यायिक कार्य हम लोग वहीं पर टेंट लगवाया जाए, वहीं नवा पैसे हम लोग बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा, तो वैसे बड़ा दुर्भाग्य हो सकती है सर। जो है अभी ये सब व्यवस्था लागू हो गया, अभी सर देखेंगे जो है एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जो है उठा करके वहाँ कर दिया जाएगा, हाईकोर्ट में उठा कर फिर मैंने हुआ आदेश कर दिया, यहाँ कहा कि जो है जहाँ वकील रहेंगे वही न्यायालय चलेगा। अलीगढ़ में तो वहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग में 10 लाख रुपये खर्च करके मोटर कोर्ट स्थापित कराई, बाद में फिर ये हमारा कलेक्ट्रेट का भवन पुराना टूट रहा है और उसके वजह से पूरा कलेक्ट्रेट शिफ्ट हुआ है पर्यटन भवन में, जिसमें न्यायिक कार्य को लेकर अधिवक्ताओं को और वादकारियों को समस्या उत्पन्न हो रही है। जिन जिन कोर्टों को वहाँ शिफ्ट किया गया है उसी को लेकर अधिवक्तागणों की मांग थी कि कोर्टें यहीं से संचालित की जाएँ, उसी के संबंध में आज निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग और कोशिश ये करेंगे कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारी कोर्टें पुरानी भवन में जहाँ पर टूटना नहीं है जिन भवनों को उनमें कहीं संचालित किया जा सके, उसी को लेकर निरीक्षण किया गया, जल्दी इस पर निर्णय देंगे। चिन्हित अभी कुछ कोर्टें हम लोगों ने चिन्हित की हैं और जहाँ पे पूर्व से कुछ अधिकारी बैठते हैं उसी में अपनी कोर्टें भी शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे और इसको लेकर विचार कर रहे हैं। डीआईजी जे रविंद्र गौर ने गोरखपुर रेंज के साइबर थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में डीआईजी जे रविंद्र गौर ने बताया कि गोरखपुर रेंज का साइबर थाना का 2 वर्ष पूरा हो गया है, जिसका विस्तार भी हुआ है। यहां पर मंडल से आने वाले फरियादियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 2 सालों में साइबर अपराध में पैसा गंवाने वालों का लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाया जा चुका है। साइबर अपराध से बचाव के लिए सभी पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। मंडल के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का भी स्थापना हुआ है। साइबर थाने से सभी जिलों के थाने का संपर्क है। प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर अपराध से जुड़े लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी जे रविंद्र गौर ने कहा, कि हम लोग करते हैं और वाट्सएप और फेसबुक वीडियो भी बना रहा है आजकल, तो
गोरखपुर रेंज के साइबर पुलिस स्टेशन का 2 साल हो चुका है। इसी आप ये मालूम करते कि ये वर्षगांठ की तरह है, सेकेंड ईयर अभी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ऑफिस साफ सुथरा हो गया है, हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठने के लिए जगह हो गया है, और बाहर से जो पब्लिक फरियादी आते हैं उनके लिए भी व्यवस्थित हो गया कि उनको बैठाने का, बात करने का, और अच्छा काम भी चल रहा है यहाँ। करीब 1 करोड़ तक का रिकवरी अभी तक इस साइबर पुलिस स्टेशन से कराया गया लोगों को। हम लोग लगातार पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का भी स्थापना हुआ है, उससे भी इस पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेशन है पूरे रेंज के सभी थानों से। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अप्रोच करें, उनकी अगर कोई साइबर फ्रॉड के संबंधी जो भी समस्या है उनका समाधान अच्छे से हो सके। देखिए, साइबर अपराध में नहीं फंसने के लिए हम लोग समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं लोग, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। अगर कोई लालच में आ भी जाता है तो तत्काल हमें सूचित करें, जितना जल्दी हमें सूचित करेंगे उतना बचत है, उनके जो पैसे हैं उसको हम लोग होल्ड करा सकते हैं, उनको वापस दिला सकते हैं। तो बिना किसी समय गवाते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दें, या साइबर पुलिस स्टेशन हमारा जो है यहाँ सूचना दें, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी। तत्काल सूचना के लिए ही प्रत्येक थानों में हम लोगों ने साइबर हेल्प डेस्क का स्थापना भी किया है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये हमारा अपील रहेगा पब्लिक के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या हुई 89। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस व मास्क का करें प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, समय समय पर अपने हाथों को करें हैंड वॉश। फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। IGRS पर आई शिकायतों की जा रही है जांच, SSP ने दी जानकारी। दो फरवरी को CM योगी व गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला लेडी डॉन निकला भीम आर्मी का कार्यकर्ता सोनू। आगरा जेल में बंद सोनू को कैंट पुलिस लेकर आई गोरखपुर, न्यायालय में रिमांड बनवा कर भेजा जेल।
कलेक्ट्रेट कार्यालय को पर्यटन ऑफिस में शिफ्ट होने पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायालयों का किया निरीक्षण। कहा, अधिवक्ताओं व वादकारियों को सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट से न्यायालय का कार्य होगा संचालित, जगहों को किया गया है चिन्हित। दो वर्ष पूरे होने पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने रेंज के साइबर थाने का किया निरीक्षण। कहा, दो सालों में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों का 1 करोड़ रुपए की राशि का करवाई जा चुकी है रिकवरी। साइबर अपराध से जुड़े मामलों का हो रहा है समाधान। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों का विशेष रूप से रखे ध्यान, शासन की सभी सुविधाओं को करवाएं उपलब्ध। अपहरण के आरोप में कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त शनि गुप्ता को किया गिरफ्तार, अपहृता को किया सकुशल बरामद भेजा जेल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, अच्छे तरीके से हो फ्रिस्किंग ताकि चाक चौबंद रहे न्यायालय की सुरक्षा। दो दर्जन से ज्यादा कोल्ड चेन हैंडलर को कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, पिछले कोविड के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में कोल्ड चेन हैंडलर ने निभाई है अहम भूमिका। और 26 जून तक जनपद में आएगा मानसून, होगी वर्षा, बाढ़ से निपटने की सभी तैयारी है पूरी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जनपद में कुपोषित बच्चों के इलाज व पोषण को लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जिले के सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने गांव में कुपोषित बच्चों पर निगरानी रखें। जो उपलब्ध संसाधन है ग्राम प्रधान उनको उपलब्ध करवाए, क्योंकि जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं वह इसलिए होते हैं क्योंकि जन्म से गर्भवती महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए अगर शुरू से गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाए तो महिला के साथ बच्चा भी स्वस्थ होगा, जिसमें ग्राम प्रधान का सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली हम लोग का अभियान ये है कि हम लोग गांव में जो VHNTs करा रहे हैं उसके लिए जो उपलब्ध संसाधन है उसमें गांव ग्राम प्रधान को भी हम लोग इन्वॉल्व करें, उनके पास भी वीएचएनसी फंड है, उसके माध्यम से हम सेंटर्स को दुरुस्त करें और हम अपनी सेवा जो VHND की है उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो कुपोषण जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि इनिशियल लेवल पे ही गर्भवती माताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब अगर इनिशियल लेवल से अगर केयर किया जाए तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे और इसमें ग्राम प्रधान का हम लोग सहयोग चाह रहे हैं, मतलब जो फंड्स हैं जो गाँव में जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन हो और लोग उसमें प्रतिबद्ध हैं। कैंट पुलिस ने अपहरण के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को विश्वविद्यालय चौराहे से मोहद्देपुर जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शनि गुप्ता पुत्र स्वर्गीय दिलीप गुप्ता निवासी बहुरिया टोला बड़वा राजा पाकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 23 जून को आवेदिका द्वारा उसकी पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल दीपक राज नारायण धूर्यवंशी, महिला कांस्टेबल आशीष कुमारी शामिल रहे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड ड्रोन कैमरे की टीम शामिल रही। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने न्यायालय परिसर में खड़ी वाहनों, बंदीगृह स्कैन रूम तथा न्यायालय में स्थित बैंक सहित अन्य स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि न्यायालय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। गोरखपुर न्यायालय परिसर एक बहुत ही बड़ा परिसर है। इस परिसर में चाक चौबंद सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात है। न्यायालय में आने के लिए चार रास्ते हैं। यहाँ पर कैमरे द्वारा निगरानी की जाती है, किस तरीके से और बेहतर सुरक्षा हो सके तथा अच्छे तरीके से फ्रिस्किंग हो ताकि न्यायालय सुरक्षा चाक चौबंद रहे। सभी अधिकारियों के विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है। जल्द ही एक रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाएगी कि जहां पर कमियां पाई जाएंगी उस कमियों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में कैदियों से किसी भी प्रकार की किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। अगर जिसको भी मिलना है वो परिवार जेल में जाकर मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान CEO कैंट श्यामदेव बिंद, कैंट प्रभारी शशिभूषण राय सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जाते हैं जहाँ भी जाते हैं साउथ रोड कोई सब डीजे वगैरह वहीं करते हैं पहले करते आप आज ही आए हैं न्यायालय हमें न्यायालय कौन से जैसा बोले बात करो क्या है
न्यायालय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है किसी भी जनपद में हो। गोरखपुर न्यायालय परिसर एक बहुत बड़ा परिसर है एवं उसमें चाक चौबंद सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात है। यहाँ 4 या 5 गेटों से एंट्री होती है, विभिन्न जगहों पर फ्रिस्किंग होती है, कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से बेहतर सुरक्षा हो, अच्छे से फ्रिस्किंग हो, सभी के कोऑपरेशन से न्यायालय सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसलिए आज मेरे द्वारा सीओ कैंट, सीओ एलआईयू, डॉग स्क्वाड, ड्रोन एवं बार के सहयोग से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है एवं समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जाएगी एवं विभिन्न बिंदु जहां पे कमियां पाई जाएंगी उन कमियों को सर विभिन्न एंट्री पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से एक्सेस पॉइंट जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कई गेट जहाँ पे बैगेज स्कैनर लगना है, यहाँ पे कैमरे लगने हैं, इन सभी पॉइंट्स का रिव्यू किया जा रहा है।
जो भी खामियां हैं उसकी रिपोर्ट जो है न्यायालय को एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, हम खामियों को समय रहते पूर्ण किया जाएगा। न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की किसी से मिलना ये अलाउड नहीं है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी व्यक्ति को मिलाया जा रहा है। अगर इस तरीके की मामला संज्ञान में आई है तो उसको कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। मिलने का समय सिर्फ जेल में होता है और व्यक्ति जिसको भी मिलना है वो अपने परिवार के सदस्य से जेल में ही जाके मिले। थैंक यू। जनपद के 50 कोरोना योद्धाओं को जिला अस्पताल के प्रेरणा श्री सभागार में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर A.N. प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये योद्धा कोल्ड चेन हैंडलर के तौर पर जनपद के कोल्ड चेन पॉइंट पर तैनात रहते हैं। कोविड टीकाकरण के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने बताया कि जनपद के कोल्ड चेन हैंडलर स्तरीय एक कार्यशाला जिसमें 50 लोगों को कोरोना वायरस के रूप में सम्मानित किया गया। ये वे लोग हैं पिछले कोविड के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते कोविड वैक्सीनेशन को 100% कराने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी रखरखाव में ऊंचे स्तर पर कुछ कमियां थी, आज के बाद से उस कमियों को दूर कर लिया जाएगा। इस अवसर पर यूनिसेफ के DMC डॉक्टर हसन फहीम, UNDP के पदाधिकारी राजीव रंजन और पवन कुमार सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर A.N. प्रसाद ने कहा, माइक ऑन कर लो। गौरव राय जी आइए। आज जनपद गोरखपुर न्यू CMO ऑफिस के प्रेरणा श्री सभागार में जनपद स्तरीय एक रियो कार्यशाला कोल्ड चेन हैंडलरों की कराई गई, जिसमें करीब 50 लोगों को कोरोना बैरियर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जो पिछले कोविड के दौरान अपनी महती भूमिका निभाए हैं, जिसमें कि जिसके चलते हमने अपने कोविड के वैक्सीनेशन को 100% कराने में सक्षम हुए हैं। उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन रख रखाव से संबंधित काफ़ी दिन पहले से ये प्रोग्राम तय था, एक रीओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रोग्राम का, जो कि आज संपन्न हुआ। और यहाँ से ये लोग नए सिरे से नई ऊर्जा लेकर कुछ नए आयाम, जो इस कोविड पीरियड में RI के में वैक्सीन के रखरखाव में जो छूट गए थे, भूल गए थे, जो जेहन से निकल चुका था, उसको आज ये लोग फिर से इस प्रशिक्षण के माध्यम से इन लोगों को रीओरिएंट कराया गया है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जो भी कोल्ड चेन रखरखाव में थोड़ी बहुत हमारे कोल्ड चेन स्तर पर कुछ कमियां थी, आज के बाद से वो कमियों को दूर कर लिया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि अपनी कार्यों को सही और सही समय पर गुणवत्तापूर्वक निभाएंगे, जिससे कि हमारे जनपद की कोल्ड चेन की व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से संपन्न। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने मौसम पर कहा कि पिछले वर्ष मई व जून में अच्छी वर्षा हो गई थी, इस वर्ष
अभी मानसून नहीं आया है। 26 जून तक मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और वर्षा शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं। सभी बंधों का निरीक्षण कर लिया गया है, राहत सामग्री वितरण का टेंडर करा लिया गया है। उन्होंने कहा, जब भी वर्षा होती है तो बिजली गिरती है, जिसके बचाव के लिए दामिनी नाम का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसलिए सभी लोग दामिनी ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। जब कभी भी वर्षा हो रही हो तो आप ऐप को खोलकर जान सकते हैं कि कहां पर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। पिछले वर्षों में जून और मई में अच्छी वर्षा हो गई थी। इस वर्ष जैसा कि अभी फोरकास्टिंग है, आगामी 25-26 के आसपास मानसून आ जाएगा और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों ने बाढ़ से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। सभी बंधों का निरीक्षण करा लिया गया है, जो भी राहत सामग्री हम वितरित करते हैं उनका टेंडर करा लिया गया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। परंतु मेरा अनुरोध आपसे है, आप नागरिकों से है कि बचाव में आपका सहयोग आवश्यक है। जब भी वर्षा होती है तो बिजली गिरती है, उसके लिए एक दामिनी नाम का एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप दामिनी ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर, जब भी वर्षा काल हो तो आप तुरंत उस ऐप को ओपन कर लें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आगामी 4 घंटे में कहां पर बिजली गिरने की संभावना है। मेरा अनुरोध है कि इस पर अवश्य ध्यान दें, वर्षा काल में जितनी भी प्रकार के बचाव संभव है वो अपने आप के लिए करें। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या हुई 89। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस व मास्क का करें प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, समय समय पर अपने हाथों को करें हैंड वॉश। फर्जी IGRS डालकर पुलिस को परेशान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। IGRS पर आई शिकायतों की जा रही है जांच, SSP ने दी जानकारी। दो फरवरी को CM योगी व गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला लेडी डॉन निकला भीम आर्मी का कार्यकर्ता सोनू। आगरा जेल में बंद सोनू को कैंट पुलिस लेकर आई गोरखपुर, न्यायालय में रिमांड बनवा कर भेजा जेल। कलेक्ट्रेट कार्यालय को पर्यटन ऑफिस में शिफ्ट होने पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित न्यायालयों का किया निरीक्षण। कहा, अधिवक्ताओं व वादकारियों को सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट से न्यायालय का कार्य होगा संचालित, जगहों को किया गया है चिन्हित। दो वर्ष पूरे होने पर DIG जे रविंद्र गौड़ ने रेंज के साइबर थाने का किया निरीक्षण। कहा, 2 सालों में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों का 1 करोड़ रुपए की राशि का करवाई जा चुकी है रिकवरी, साइबर अपराध से जुड़े मामलों का हो रहा है समाधान। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों का विशेष रूप से रखे ध्यान, शासन की सभी सुविधाओं को करवाएं उपलब्ध। अपहरण के आरोप में कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त शनि गुप्ता को किया गिरफ्तार, अपहृता को किया साकुशल बरामद भेजा जेल। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, अच्छे तरीके से हो फ्रिस्किंग ताकि चाक चौबंद रहे न्यायालय की सुरक्षा। दो दर्जन से ज्यादा कोल्ड चेन हैंडलर को कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कहा, पिछले कोविड के दौरान टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में कोल्ड चेन हैंडलर ने निभाई है अहम भूमिका। और 26 जून तक जनपद में आएगा मानसून, होगी वर्षा, बाढ़ से निपटने की सभी तैयारी है पूरी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।